फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी लाल चटनी, जो कि आपकी चाट, समोसे, पकौड़ों का टेस्ट दोगुना कर देगी। बहुत ही पसंद आएगी आपको। और बिना इमली और बिना चीनी कैसे बना के रेडी करेंगे, तो आने वाली होली पे जब आप दही भल्ले, चाट, समोसे बनाएं, तो इस चटनी को भी ज़रूर बनाएं, बहुत ही पसंद आएगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ होम। मैं हूँ निशा। तो चलिए खट्टी मीठी लाल चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 कप गुड़ ले लिया है मैंने एक पैन में, जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में डाल देंगे 1.5 कप पानी। पहले हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे पकाएंगे। तो 1.5 कप पानी डाल दिया है। 3 बड़े चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। इमली नहीं डाल रहे हैं, आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, इसीलिए 3 बड़े चम्मच डालेंगे, जिससे इसमें खट्टा मीठा अच्छा सा फ्लेवर आए। और साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर, जिसे सौंफ भी बोलते हैं। 1.5 बड़ा चम्मच डाल देंगे सौंफ, ये दरदरी कुटी हुई सौंफ है, आप बिल्कुल पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे सफ़ेद नमक। साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अच्छा कलर आएगा और थोड़ा तीखापन भी आएगा। 1/4 छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। मिक्स कर देंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से, जिससे कोई भी लम्स ना रहे, कोई गुठलियाँ ना रहें। उसके बाद इसे हम गैस पे रखेंगे। फ्रेंड्स, बिना इमली के चटनी बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर हमने आमचूर का यूज़ किया है। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको रख दिया है गैस पे। गैस की फ्लेम को अभी हाई रखा है मैंने, जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता, लेकिन इसको लगातार चलाते रहना है, वरना जो गुड़ है वो पैन के तले में चिपक जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा चटनी का। इसलिए लगातार चलाते हुए पहले इसमें एक बॉयल लगा लें, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम या लो कर सकते हैं। तो लगातार चला रही हूँ और आप देख सकते हैं गुड़ भी मेल्ट हो गया है, एक बॉयल आ गया है। और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे लो और इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अगर आप किचन में ही हैं, कुछ और काम कर रहे, तो साथ में एक साइड इस चटनी को चढ़ा दीजिए और गैस के फ्लेम को मीडियम रख के बीच बीच में चला सकते हैं इसे। चटनी को पकते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। इसे एकदम गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस चटनी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको 20 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाली हूँ 2 बड़े चम्मच किशमिश और 1 छोटा चम्मच खरबूजे के बीज। ये दोनों चीज़ें चटनी के अंदर बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है चटनी। इससे मिक्स कर देंगे और अब एक उबाल आने देंगे इसमें हाई फ्लेम पे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बॉईल आ चुका है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इस चटनी को पकाने में 20 से 25 मिनट का समय लगा है। आपको थोड़ा ज़्यादा या कम भी लग सकता है, यह आपकी गैस के फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है गैस से उतारने के बाद। मिक्स कर देंगे इसे भी अच्छे से और अब इस चटनी को बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, चटनी हमारी एकदम ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी की चटनी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस इस त्यौहार इस चटनी को बनाइए, दही भल्ले के साथ खाइए, पकौड़े समोसे के साथ खाइए, चाट पापड़ी बना रहे हैं उसके साथ खाइए, और अपनी चाट का, अपने स्नैक्स का मज़ा लीजिए। स्वादिष्ट चटनी बिना इमली, बिना चीनी के बनके एकदम रेडी हो चुकी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।